आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन कुछ बड़ी खबरों से। किसानों ने आज देश भर में नए कृषि बिल के विरोध में चक्का जाम का ऐलान किया है। इस दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। चक्का जाम दोपहर 12 बजे शुरू हो चुका है और 3 बजे 1 मिनट के लिए वाहनों के हॉर्न बजाकर खत्म किया जाएगा। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जुड़ चुके हैं। एजाज जी, क्या आप इस चक्का जाम को समर्थन करते हैं? जी हाँ, हमारी पार्टी इस चक्का जाम को समर्थन दे रही है नैतिक रूप से, क्योंकि आज जिस तरह से किसानों को खुलेआम सड़कों पर गालियां दी जा रही है, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और ना जाने किन किन शब्दों से अलंकृत किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब देश का अन्नदाता आज संकट की स्थिति में खड़ा है, अपनी मांगों के समर्थन में खड़ा है, तब केंद्र सरकार धनदाताओं के साथ खड़ी होकर के ऐसे अन्नदाताओं को गाली दिलवाने का काम कर रही है, जिसने देश को अनाज के माध्यम से देश के लोगों को भरपेट भोजन मुहैया कराने का काम किया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि जिन किसानों को फायदे के लिए केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि हम किसानों के फायदे के लिए इस कानून को लाने का काम किया है, वो किसान स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरे फायदे का कानून नहीं है, तो क्यों सरकार जिद पर अड़ी हुई है? कहीं ना कहीं ये धनदाताओं और कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर केंद्र सरकार उनके फायदे के लिए इस बिल को लाने का काम किया है, जिसके कारण आज किसान सड़कों पर है। पिछले 72 दिनों से सड़क पर खुलेआम ठंड के मौसम में लोग अपने जानों की परवाह किए बिना इस संघर्ष में इस जन आंदोलन को जनता के बीच ले जाने का काम किए हैं, और आज राष्ट्रीय जनता दल समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने इस चक्का जाम को समर्थन देने का फैसला किया है। क्योंकि जिस तरह से धनदाताओं के समर्थन में सत्ता पक्ष केंद्र की भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, तो आज विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि हम अन्नदाताओं के समर्थन में खड़े हों और अन्नदाताओं को इस बात का एहसास करा दें कि आपके साथ पूरे देश के विपक्ष खड़ा है, पूरे देश की जनता खड़ी है, आप अपनी लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ने का काम कीजिए, आपके लड़ाई को बल देने के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जी एजाज जी, 26 जनवरी की घटना के बाद इस पे बहुत राजनीति हो रही है, बहुत से विपक्ष दल भी इस पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये मामला किस हद तक अब किसानों के हक में रह गया है? देखिए, 26 जनवरी को जो घटना हुई खासकर लाल किला में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपको पता है कि जिस व्यक्ति ने, दीप सिद्धू ने, जो इस तरह की घटना को करवाने में अहम भूमिका निभाई है, उसका किसके साथ फोटो वायरल है, और वो जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं सनी देओल, उनके नजदीकी हैं, और वहां पर आपने देखा होगा कि दीप सिद्धू का जो फोटो वायरल हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय गृह मंत्री जी के साथ, और अब तक दीप सिद्धू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी सोचनीय विषय है। कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति का कौन चलाता जा रहा है और इसको राजनीतिक रूप दे करके इस आंदोलन को, जो धनदाता के साथ खड़े हैं वो लोग बदनाम करके अन्नदाताओं को कहीं ना कहीं लज्जित करना चाहते हैं। लेकिन आज देश के किसानों ने जो अपने आंखों से आंसू बहाने का काम किया है, उस आंसू की धार से ये सरकार पूरी तरह से बह जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और विपक्षी दल कभी राजनीति नहीं करता है, विपक्षी दल तो सिर्फ ये बताने का काम कर रहा है कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार किस तरह से धनदाता और कॉरपोरेट घरानों के समर्थन में खड़ी होकर के किसानों पर अत्याचार की घटनाएं कर रही है, किसानों के साथ जुल्म कर रही है, किसानों को उनका अधिकार से वंचित करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस किसानों के साथ खड़े होकर के उनको बताने का काम करें कि हम आपके साथ पूर्णता खड़े हैं और आपके लड़ाई को पूरे देश की जनता के साथ जोड़ने का काम करेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋतिक भी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, आज जो किसानों ने चक्का जाम किया है उस पे क्या कुछ अपडेट है अब तक?
जी देखिए रेता हमारा 12 बजे से लगा हुआ चक्का जाम 3 बजे खोला जाएगा, लेकिन अगर 12 से 3 की हम बात करें तो इस वक्त पूरा उत्तर भारत एक तरीके से बंद हो गया है ताम्रा। ये जो विरोध है कृषि कानूनों का विरोध जो है, 40 किसान संगठन जो है आज देश भर में चक्का जाम कर रहे हैं। अगर मैं बात आपको बताऊं तो राजस्थान हरियाणा का जो बॉर्डर है वो बंद है, उसके बाद अगर मैं पंजाब की तरफ चलूं तो पंजाब और अमृतसर से मोहाली की तरफ अगर आप पढ़िएगा तो किसान ने जो गाड़ियों का है वो आवाजाही रोक दी है बिल्कुल, और जम्मू से पठानकोट जो हाईवे है वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो ये जो आप एक तरीके से समझे 12 से 3 के बीच उत्तर भारत की एक तरीके से बंद हो गया है, और यहाँ पर जितने भी आपको जो आवाजाही जो आवागमन का है जो रास्ता है वो पूर्ण तरीके से बंद हो गया। किसानों ने जो है प्रदर्शन उनका चरम पर है। ऋतिक, राजधानी पटना में या बिहार के इलाकों में इसका क्या कुछ देखने को मिल रहा है असर? देखिए फिलहाल पटना में, अगर हम बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना में भी इसका असर है, लेकिन आप बात यहाँ पर तामरा अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार में कुछ खास नजर इसको देखने को नहीं मिला, लेकिन ये जो सड़क का चक्का जाम है ये आपको पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की तरफ अगर हम बॉर्डर बात करें जो तीनों जो दिल्ली से जुड़ती है बॉर्डर, उन तीनों बॉर्डर पे जो है किसानों का जो प्रदर्शन जारी है। तो तामरा तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार की राजधानी पटना में चक्का जाम का असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस किसान आंदोलन की वजह से उत्तर भारत में बहुत सारे जाम हो गए हैं और आवागमन बंद हो चुका है।